नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिच्छू के जहर उतारने का सबसे आसान घरेलू और आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा, जिसके मदद से आप कुछ ही सेकंड में बिच्छू के जहर को आसानी से उतार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ही सेकंड में बिच्छू के जहर को आसानी से उतार सकते हैं, यह 100% काम करता है। देखिए दोस्तों, बिच्छू अक्सर गांव और शहर दोनों जगह में पाए जाते हैं, लेकिन यदि गांव में किसी को बिच्छू ने डंक मार दे तो बैगा के पास जाते हैं या ओझा के पास जाते हैं, और यदि शहर में किसी को बिच्छू ने डंक मार दे तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस सिचुएशन में आपको न ही बैगा मिले और न ही डॉक्टर मिले तो आप क्या करेंगे? तो मेरे वीडियो में बताए गए जानकारी आपको हमेशा काम आएगा। इस उपाय को करके आप कुछ ही सेकंड में बिच्छू के जहर को आसानी से उतार सकते हैं। तो अपने जानकारी के लिए इस वीडियो को एक बार लास्ट तक के जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बिच्छू के जहर को उतारने के लिए आपको करना क्या है। तो आपको सबसे पहले माचिस लेना है, इसके बाद आपको माचिस की 4 से 5 तीली लेकर बारूद निकाल लेना है, और आपको पानी लेना है, दोनों को मिलाकर आपको एक पेस्ट बना लेना है, और जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा है उस जगह पर आपको इसे लगाना है। दोस्तों इसके लगाने मात्र से कुछ ही सेकेंड में बिच्छू के जहर आसानी से उतर जाएंगे, यह 100% काम करता है। दूसरा प्रयोग आइए जानते हैं फिटकरी से। फिटकरी को किसी साफ पत्थर पर पानी डालकर चंदन की तरह घिसना है, और जिस जगह पर बिच्छू ने डंक मारा है ना, उस जगह पर आपको इसका लेप लगाना है। इसके बाद इस जगह को आग से सेकना है। देखना दोस्तों, कुछ ही सेकंड में बिच्छू के जहर आसानी से उतर जाएंगे, यह भी 100% काम करता है। लेकिन आप इसका प्रयोग किसी विशेषज्ञ या इसके जानकार वाले से जानकारी लेकर के करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।